टाइम नहीं चला एक साथ में क्या? हाँ बड़े वाला उड़ा दो, बड़े वाला क्या हुआ? उड़ा दो भैया, ठंड लग रही है। चलो मैं कैसे दूंगी जब मैं बना रही बनाऊंगी ना ये पकड़ रहा मन देखा था तुमने। अभी ये हालत है बबली की, वॉशरूम गई थी और रास्ते में मतलब कि इधर वॉशरूम गई थी, वहां से हाथ पकड़ के लानी मुश्किल होगी, बस पता नहीं कैसे कैसे लाया क्योंकि मैं अकेला हूँ और मुझे ये भी पकड़नी पड़ती है साथ में। और इधर बेड पे लेटी हुई थी अपने यहाँ पे, रात से नहीं गई थी टॉयलेट, अब बोल रही थी अब पता नहीं कैसे कैसे करके मैं लेके गया। और उधर बेबी भी रोता है, पोटी साफ करनी पड़ जाती है, गिल्ला करता है तो रोता है बहुत। शाम तक दिक्कत है, बस शाम को तो चाची जी आ जाएगी। उधर लेटेगी बबली, लेटाओ कहने को तो पता क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई तुम्हारी। और मेरी समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये सब चीजें, तुम जैसा बोल रही हो ऐसे ऐसा हाल हो रहा, इतने टंके हैं उतने हैं, और कहने को ये था कि हाँ भाई नॉर्मल डिलीवरी है, जब नॉर्मल ही है तो ऑपरेशन में क्या हाल होता होगा भाई, इतना कष्ट कैसे हो रहा तुझे अब की बारी हो। अन्य पहले दो बच्चे हुए बबली है, पता नहीं चला मुझे पहले बच्चा। चल टेंशन ना ले, घबरावा ना, ठीक हो जाएगी, ठीक भी हो जाएगी। बढ़िया हो
रही है सर, तू बहुत सही है, चाहिए थोड़ा सा सी पीली चाय, गरम गरम सी चाय था, अच्छा सा लगा। मिकी आया था शाम के टाइम, कहता मेरा मन कर रहा देखने को मम्मी को, अमिष्टी को जबरदस्ती कर रोकी। दवाई ले ली क्या? दवाई तो ले ली, नर्स से बता दी थी, सिंपल खाने में घोल के पीना। यो पकड़िए बेटे गिलास, ये रहा सिंपल। नीचे से एक काम कर, नीचे उतर ना, नीचे उतरते ही नीचे जाते ही और फिर पानी है वहाँ, वो लेके आ। थोड़ा ही ले, नहीं भर ले यार, देख पानी पी भी लेंगे। पसीने आ रहे, पसीने तो आई जा, डॉक्टर ने तो आई नहीं होगी अभी। एक बजे एक बजे तक नहीं रुका जाना का यहाँ। बस झूठे, चल तो मैं देख कर रहा एक बार डॉक्टर को।